और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बहुप्रतीक्षित पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी शीघ्र ही मूर्त रूप लेगी। केंद्र राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवाश्री मुखर्जी, राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार और मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार राजौरा के बीच समझौता करार पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और कार्यशैली का परिणाम है कि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरसीपी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आरसीपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के 26 जिलों के लिए स्वर्णिम योजना है। आज ये समझौता हुआ है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी का भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। छोटे मोटे इशू थे उन सबको सुलझाते हुए, क्योंकि लंबित योजना इतनी थी कि बीच में कांग्रेस सरकार ने इसको उलझाने की पूरी कोशिश की, कभी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार तो कभी राजस्थान की कांग्रेस सरकार, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी मजबूती के कारण हमको ये कामयाबी मिली है और माननीय गजेंद्र जी ने इसको मूर्त रूप देते हुए इसको आगे बढ़ाया है। दो राज्यों के बीच लगभग 20 साल से लंबित एक परियोजना जो सभी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के काल में प्लान की गई थी 2003 के आसपास, काल के प्रवाह में 3 से 4 और 4 से 13-17 लगातार कई कई कारणों से बीच में संगीत की भाषा में आरोह अवरोह करती रहती और लजती सुलझती, लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे यशस्वी जल शक्ति मंत्री ने इसकी पहल की और हमारे अपने सम्माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी लेकर के उत्साह दिखाया और मतलब इसका भी इसमें पूरा योगदान है। दोनों को जोड़ करके एक नई नदी जोड़ने की परियोजना, एक प्रकल्प भारत सरकार के नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस प्रकल्प पर आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। पिछले लंबे समय से ये लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने, विशेष रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, राजनीतिक गोटी के रूप में इस्तेमाल करते हुए हठधर्मिता दिखाई थी और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जैसा मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि इस परियोजना को एक गोटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और मैंने कहा था कि ये करना निश्चित रूप से इन 13 राजस्थान के ऐसे जिले जो पानी से प्यासे हैं उनके प्यासे कंठों पर राजनीति का पाप है। और मैं ये मानता हूं कि दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने जिस त्वरित गति के साथ में एक केवल 2 महीने से कम के कालखंड में इस पर आज ये समझौता करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, ये जो पाप उन्होंने सृजित किया था उनके पाप का घड़ा तो फूटा, लेकिन दोनों राज्यों के सम्माननीय मुख्यमंत्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक नए पुण्य का सृजन आज से प्रारंभ हुआ है जो इन दोनों राज्यों के 26 जिले, 13-13 जिले दोनों तरफ और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की और 2,80,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की, ऐसी कुल मिलाकर के 5,60,000 यानी 14 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के तहत आएगी और निश्चित ही
इन दोनों ही जिलों के किसानों के साथ उनके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, उनकी आमदनी को दुगुना करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है वो पूरा होगा ही, और साथ ही साथ में दोनों ही जिले जो वाटर स्टार्व्ड हैं, जहाँ पानी की कमी है, वहाँ पेयजल की भी आने वाले दशकों तक सुनिश्चितता हम कर पाएंगे। परियोजना बहुत ही ऐतिहासिक है, 13 जिले इसमें शामिल हैं। दूसरा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम इसमें होने वाला है, उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आपने कहा कि इतने बड़े काम होते हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे ही बड़े काम होते हैं और समय से भी होते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जनता की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय जल शक्ति मंत्री जी को और माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। निश्चित रूप से उन किसानों के आज एक खुशहाली का दिन होगा, जो पानी के लिए परेशान थे, निश्चित रूप से एक आस उनको बंधेगी और आस के आधार पर उन किसानों को पानी भी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, उद्योग के क्षेत्र में भी बढ़ावा होगा, ये सारे काम उसमें होंगे। क्योंकि जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है वो ही ऐसे निर्णयों को करता है।